नमस्कार, मैं हूँ ममता। आपको मेरे चैनल ममताज किचन में स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ भरवा करेला। चलिए अब देखते हैं इसे बनाने में हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। यही करेला, यहाँ पर मैं 15 करेला ली हूँ। इसको मैं अच्छी तरह धो के रखी हूँ। और ये है राई, जीरा, बादाम, लहसुन, 7-8 लहसुन की कली और एक हरी मिर्च और पॉपी सीड को पेस्ट करके रखी हूँ। यह है बड़ी उड़द दाल का और नमक स्वाद अनुसार 1 छोटे चम्मच हल्दी पाउडर और हमें तेल की ज़रूरत पड़ती है। पहले हम करेला को बीच से एक चीरा लगाएंगे। सारे करेला को मैं बीच से एक चीरा लगाकर रखी हूँ। देखिए ऐसे इसमें हम मसाला भरेंगे। पहले हम मसाला के लिए बड़ी को सालो फ्राई करेंगे। गैस ऑन करके पैन रखेंगे। पैन गरम हो गया है, अब हम इसमें डालेंगे बड़ी। थोड़ा सा तेल डालेंगे, इसको हम सालो फ्राई करेंगे। थोड़ा सा लाल होने तक हम इसे फ्राई करेंगे। लाल होने के बाद हम इसे दरदरा पीसेंगे। बड़ी थोड़ा सा लाल हो गया है, अब हम इसे निकाल कर दरदरा पीसेंगे। मैं मसाला का मेजरमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे चुकी हूँ, आप चाहें तो फॉलो कर सकते हैं। बड़ी को मैं दरदरा पीस ली हूँ। अब हम करेला के लिए हम मसाला तैयार करेंगे। एक बड़े बाउल में राई और सारे मसाला का पेस्ट डालेंगे। इसमें हम बड़ी डालेंगे, हल्दी पाउडर, नमक स्वाद अनुसार। करेला में थोड़ा सा ज़्यादा नमक लगता है, इसको हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे। करेला के लिए मसाला स्टफिंग तैयार हो गया है। अब हम करेला के अंदर स्टफिंग को भरेंगे। ऐसे ही सारे करेला में मसाला भरकर तैयार करेंगे। अब हम इसे पैन में तेल डालकर इसे सालो फ्राई करेंगे। पैन गरम हो गया है, अब हम इसमें तेल डालेंगे। तेल गरम हो गया है, अब हम इससे तेल में डालेंगे करेला। ऐसे ही हम करेला को तेल में रखेंगे। सारे करेला को पैन में रखेंगे। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा पानी छिड़क देंगे और इसे 2 मिनट के लिए ढक देंगे। गैस को लो कर देंगे। 2 मिनट हो गया है, अब हम ढक्कन हटाकर सब सारे करेला को पलट देंगे।
नीचे का साइड पक गया है। अब हम करेला को पलट कर अब हम 2 मिनट के लिए ढक देंगे। अब हम ढक्कन हटाकर चेक करेंगे। देखिए हमारा करेला हो चुका है। अब हम गैस ऑफ कर देंगे। अब हम एक सर्विंग प्लेट में सर्व करेंगे। ये हो गया हमारा भरवा करेला फ्राई। आप इसे घर में ज़रूर एक बार ट्राई कीजिए। ये एक बढ़िया आइटम डायबिटीज़ पेशेंट के लिए। आप इसे घर में ज़रूर बनाइए, खाइए और आपका अनुभव हमारे साथ शेयर कीजिए नीचे वाले कमेंट बॉक्स पर। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छा लगे तो आप प्लीज़ मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन दबाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ साथ बेल आइकन को दबाएं अगले नए वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। फिर मिलेंगे एक नई और टेस्टी रेसिपी के साथ। थैंक यू।